हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बाइनरी ट्री एंड इट्स वेरिएशन। तो देखो, आप चाहे एल्गोरिदम की बात करो, चाहे डेटा स्ट्रक्चर की बात करो, तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो है सबसे ज्यादा यूज होता है। और ट्री डेटा स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें ना, तो बाइनरी ट्री के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और बहुत सारे, जैसे अगर हम बात करें हीप ट्री है, या फिर अगर हम बात करें प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, या फिर अगर हम बात करें ट्री ट्रैवर्सल, ईच एंड एवरी टॉपिक में आपको देखो ट्री का कॉन्सेप्ट आ रहा है। और ट्री में भी अगर हम बात करें तो बाइनरी ट्री जो है वो सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो इस वीडियो में आपको बाइनरी ट्री से रिलेटेड सारे पॉइंट पता लगेंगे, और साथ ही साथ उसकी वेरिएशन, जैसे कि फुल बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्री की अगर हम बात करें, तो ट्री को हम किस तरीके से बनाते हैं, आप सबने देखा ही होगा ट्री की स्ट्रक्चर जो है वो हम इस तरीके से बनाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कि ट्री और ग्राफ में जो मेजर डिफरेंस आता है कि ट्री के अंदर हमारे पास लूप नहीं होता। लूप कह सकते हो, साइकिल बोल सकते हो। लूप मतलब जैसे हम सेल्फ लूप लगाते हैं उसको बोलते हैं, और साइकिल मतलब जैसे अगर मैं ये एज यहाँ पे लगा दूं इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह से साइकिल बन जाएगा। तो ये चीज जो है वो अलाउड नहीं होती किसमें, ट्री में। और दूसरा, यहाँ पे अगर हम बात करें ना स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में हमेशा यहाँ पे क्या होता है, रूट, फिर क्या होती है, इंटरनल नोड्स, और फिर हमारे पास क्या होती है, लीफ नोड्स। गेटिंग द पॉइंट? तो ये एक तरह से, वैसे तो आपको पता ही होगा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं, क्योंकि हम बीच बीच में इन टर्म्स को यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी लीफ नोड्स, और बाकी की बची हुई को हम नॉन लीफ बोल देते हैं। तो नॉन लीफ में आपके पास रूट एलिमेंट आ गया, एक होता है हमेशा। और इंटरनल की अगर हम बात करें, तो इंटरनल हमारे पास मल्टीपल हो सकती है। ये चीज ग्राफ में नहीं होती, ग्राफ में हम जनरली रूट वगैरह नहीं लेते। वहां पे कई बार हम शॉर्टेस्ट वगैरह जब सॉल्व करते हैं, शॉर्टेस्ट सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर अगर हम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, तो वहां पे हम सोर्स वगैरह बोल देते हैं, डेस्टिनेशन नोड बोल देते हैं, लेकिन रूट वगैरह हम वहां पे नॉमेनक्लेचर यूज नहीं करते। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी ट्री की। तो कहानी स्टार्ट होती है आपकी बाइनरी ट्री से। बाइनरी ट्री का सिंपल सा मतलब है एट मोस्ट टू चिल्ड्रन एट एवरी नोड, मतलब हर एक नोड के मैक्सिमम टू चिल्ड्रन हो सकते हैं, या बेस्ट आप ये बोलो एट मोस्ट टू चिल्ड्रन। एट मोस्ट का मतलब क्या है, या तो जीरो या वन या फिर टू। गेटिंग द पॉइंट? तो हर एक नोड का, जैसे अगर हम बात करें रूट की, तो रूट का लेट से एक चिल्ड्रन है, चलेगा। रूट है, लेट से उसका एक, इसको बोलते हैं लेफ्ट और इसको बोलते हैं राइट। ये हमारा लेफ्ट में है, ये राइट में है। तो इस तरीके से देखो, रूट का अकेला लेफ्ट चाइल्ड है, इज इट पॉसिबल? यस। रूट का अकेला राइट चाइल्ड है, इज इट पॉसिबल? यस। अकेला रूट है, चलेगा। रूट के आगे लेट से दो चिल्ड्रन है, एक लेफ्ट में एक राइट में, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे इंटरनल की बात करें, तो इंटरनल में भी आगे लेट से एक चिल्ड्रन है, चलेगा। अगर लेट से इस चाइल्ड की बात करें, इस वाले की, या इस इंटरनल नोड की बात करें, तो इसका आगे क्या है, लेट से राइट में एक चाइल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे लेफ्ट राइट लेवल वगैरह की कोई बात नहीं करते, हम यहाँ पे मेनली बात करते हैं कि एट मोस्ट टू चिल्ड्रन होने चाहिए। मतलब अगर आपने ये चीज बना दिया कि लेट से देयर इज अ रूट और उसमें लेट से आगे तीन चिल्ड्रन है, तो यानी ये बाइनरी नहीं बचा, ये अब क्या बना, टर्नरी ट्री बन गया। गेटिंग द पॉइंट? तो बस मेन ये कंडीशन है। अब देखो, उसमें हमारे पास नेक्स्ट आती है फुल बाइनरी ट्री, या जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये नॉमेनक्लेचर याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो फुल बाइनरी ट्री या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री का मतलब क्या है, आइदर जीरो और टू चिल्ड्रन। मतलब है तो ये बाइनरी ट्री, लेकिन उसमें आगे एक और कंडीशन लगा दी कि आइदर जीरो और टू चिल्ड्रन। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये देखो, मैंने यहां पर बनाया आइदर जीरो और टू चिल्ड्रन। तो जैसे ये देखो, ये बनाया, वेदर इट इज अ बाइनरी ट्री, यस। वेदर इट इज अ स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, या आप कह सकते हो वेदर इट इज अ फुल बाइनरी ट्री, यस। फुल को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आप याद रख लो। तो वेदर इट इज अ बाइनरी ट्री, यस। वेदर इट इज अ स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री या फुल बाइनरी ट्री, यस। तो देखो, हर एक चाइल्ड के आपके पास क्या है, दो। अब इसका मत कह देना, क्योंकि ये किस तरह से क्या है, लीफ नोड है, ठीक है ना। तो लीफ का तो ऑब्वियसली कोई आगे चाइल्ड होगा ही नहीं नॉन लीफ के केस में। अब देखो, यहां पे लेट से रूट हमने बनाया, रूट के आगे हमने लेट से ये दो चिल्ड्रन बनाए, और इसका आगे लेट से मैंने इस तरीके से बना दिया। तो देखो, क्या ये बाइनरी ट्री है, यस इट इज अ बाइनरी ट्री। क्यों? क्योंकि या तो जीरो या वन या टू चिल्ड्रन। लेकिन क्या मैं इसको स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता। रीजन, क्योंकि ये यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस नोड का लेफ्ट में चाइल्ड है, राइट में नहीं है, मतलब एक चाइल्ड है। तो कंडीशन क्या कहती है, या तो कोई चाइल्ड नहीं या दो चिल्ड्रन। गेटिंग द पॉइंट? तो ये कहानी है
और ये कहानी सिर्फ नॉन लीफ की बात कर रहे हैं, लीफ के केस में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मत कह देना, कई स्टूडेंट के माइंड में आ जाता है कि सर लीफ वाला ये देखो इसके आगे कोई चिल्ड्रन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भैया, लीफ में कोई कंडीशन नहीं है। तो लीफ में ऑब्वियसली जीरो चिल्ड्रन होंगे, तो जीरो चिल्ड्रन वाली कंडीशन भी तो आई गई ना फिट, वो भी तो फिट बैठ रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं यहां पे ACBT, दैट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसको नोट कर लेना गाइज, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हीप वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका ACBT के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हीप ट्री वगैरह चाहे मैक्स ही बनाओ मिन ही बनाओ वो एक्चुअल में ACBT के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में ना हमारे पास दो चीजें आती हैं। पहली चीज क्या बोलती है, पहला पॉइंट हमें ये बोलता है कि यार जब भी आप ट्री बना रहे हो ना, जब भी आप ट्री बना रहे हो तो लेफ्ट से राइट आपको फिल करना है। मतलब लेट से आपने ट्री बनाया, अब इस रूट का अगर मैं लेट से ये बना दूं राइट चाइल्ड पहले बना दूं तो ये बाइनरी ट्री है, बट क्या ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी आपको पहला बनाना है ना, लेट से अगर आपने रूट बनाया और उसका आगे चाइल्ड बनाना है, तो पहले इसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। गेटिंग द पॉइंट ऑफ नोट? तो लेफ्ट चाइल्ड आपको पहले बनाना है। हाँ, इसके बाद लेट से अगर और नोड आती है तो फिर आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट ऑफ नोट? तो पहले लेफ्ट को भरना है, फिर राइट को भरना है, और जब एक लेवल फुल हो जाए तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना। तो मतलब अगर मैं लेट से इस तरीके से बनाता हूं, लेट से मैंने ये बनाया और लेट से ये बनाया, तो क्या ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है? है। क्यों? क्योंकि देखो सारे लेवल जो है हम पहले लेफ्ट में भर रहे हैं फिर राइट में, पहले लेफ्ट में फिर राइट में, तो यानी ये इस चीज को फॉलो कर रहा है। अगर मैं इसी को ऐसे बना देता, लेट से ये इस तरीके से, अब ये क्या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं। ये बाइनरी ट्री है। क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? नहीं, फुल बाइनरी ट्री भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसका एक ही चिल्ड्रन है, तो ये फुल का नहीं है। आप कंपेयर कर सकते हो, मैं वैसे ये फुल की बात नहीं कर रहा, आप बीच बीच में फुल को भी अपने आप चेक कर लो, लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पहले लेफ्ट बनाना था फिर राइट चाइल्ड बनेगा, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। लेट से मैं इस तरीके से बना दूं, ये देखो बाइनरी ट्री है, कोई दिक्कत नहीं है बाइनरी ट्री में, बट क्या ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है? आपको लगेगा कि सर हाँ पहले लेफ्ट भरा फिर राइट भरा फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बट गाइज ये दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? कि आपने इसका आगे नेक्स्ट लेवल, लेवल मतलब ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3, लेवल 4, आप लेवल 4 पे चले गए, अभी लेवल 3 भरा ही नहीं, तो यानी ये आपने यहां पे गलत बना दिया, ये एक्चुअल में यहां पे बनना चाहिए था ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के अकॉर्डिंग, लेकिन आपने नेक्स्ट लेवल पे चले गए। नेक्स्ट लेवल पे तभी जाओगे जब पहले वाला लेवल जो है वो फुल हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो ये दो मेन पॉइंट जो है ACBT में याद रखना। देन आता है हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री, नाम से पता लग रहा है कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब नो होल्स। होल्स का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें ना इंटरनल नोड्स की, तो इंटरनल नोड जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पूरा का पूरा भरा हुआ होगा, मतलब उसके मैक्सिमम दो चिल्ड्रन होंगे, दो से कम नहीं हो सकते लीफ को छोड़ के। लीफ के तो ऑब्वियसली जीरो ही चिल्ड्रन होंगे, लेकिन लीफ को छोड़ के बाकी के आपके क्या होंगे, दो दो ही चिल्ड्रन होंगे। गेटिंग द पॉइंट ऑफ नोट? इसको बोलते हैं हम क्या, कंप्लीट बाइनरी ट्री, या फिर परफेक्ट बाइनरी ट्री भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये कहानी जो है वो आती है हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री की। तो देखो यहां पे अगर मैं इस तरीके से बना दूं, लेट से ये देखो, क्या ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है? है, कोई दिक्कत नहीं है, बाइनरी ट्री भी है, इवन ये अगर हम बात करें ना फुल और स्ट्रिक्ट, ये वो भी है, लेकिन क्या ये कंप्लीट है? नहीं, कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ये वाले लेवल का भरा होना चाहिए, मतलब जितने भी आपके ये अगर हम बात करें ना, ये पूरे के पूरे लेवल आपके फिल होने चाहिए, लेवल आपका पार्शली फुल नहीं होना चाहिए। मतलब पहले हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये होल थे, एक तरह से क्या था, होल था, क्योंकि ये वाला लेवल जो है वो आपने इसके नेक्स्ट वाले का तो बना दिया, मतलब इस नोड का नेक्स्ट तो बना दिया, लेकिन बाकी के नोड का नेक्स्ट भी होना चाहिए, ये पूरा का पूरा फुल होना चाहिए, मतलब इंटरनल नोड जो है एट ईच लेवल द इंटरनल नोड मस्ट बी फुल, उसके दो दो चिल्ड्रन होने चाहिए। हाँ, लीफ नोड में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पूरा भर गया, इसको बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो ये पूरी की पूरी कहानी है आपकी बाइनरी ट्री एंड वेरिएशन से रिलेटेड। और लास्ट अगर हम बात करें बाइनरी सर्च ट्री की, तो बाइनरी सर्च ट्री गाइज है
वो भी बाइनरी ट्री में एक स्पेशल यहाँ पे केस है, और बाइनरी सर्च ट्री जो है वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके ऊपर पूरी की पूरी फुल फ्लेज वीडियो की कैसे हम बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट, आपको वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसको चेक करना, क्योंकि बीएसटी अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। ये तो इंट्रोडक्शन इतनी सफिशिएंट है, लेकिन बीएसटी जो है वो आपको थोड़ी डिटेल में करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाओ, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो बीएसटी का पता लग जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज ऑल अबाउट बाइनरी ट्री एंड इट्स वेरिएशन। थैंक यू।